खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। गुरुवार को पीएम मोदी शपथ लेने वाले हैं और उससे पहले वो लगातार एक्शन में हैं। कल मोदी को एनडीए का नेता चुना गया। अपने संबोधन में उन्होंने आगे के कामकाज का एक खाका पेश किया। आज शाम पीएम मोदी गुजरात पहुंचने वाले हैं। आज अपनी मां हीराबेन से मिलने जाएंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे और कल मोदी वाराणसी जाएंगे और वहां मां गंगा का आशीर्वाद लेंगे। ये तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कल एनडीए के संसदीय दल का नेता चुने गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संसद के सेंट्रल हॉल में जो कार्यक्रम हुआ उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज अपनी मां हीराबेन से मिलने पहुंचेंगे पीएम मोदी, उनका आशीर्वाद लेंगे और कल जाएंगे अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी और वहां लेंगे मां गंगा का आशीर्वाद। तो शपथ ग्रहण से पहले अपनी मां हीराबेन का आशीर्वाद लेंगे और कल मां गंगा का आशीष लेने पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 30 तारीख को शपथ ग्रहण बताया जा रहा है और उससे पहले लगातार एक्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी के गुजरात पहुंचने का उनके चाहने वाले बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लोग गांधीनगर में वहां पहुंच रहे हैं जहां पीएम मोदी का कार्यक्रम है। सूरत से आए सागर ने गीत गाकर और शायरी के जरिए पीएम मोदी के प्रति अपने प्यार का इजहार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात दौरे पर हैं और अपने गुजरात दौरे के आखिरी चरण में रायसन गांधीनगर में पहुंचकर अपने मातोश्री हीराबा का आशीर्वाद लेंगे। बहुत से नरेंद्र मोदी के प्रशंसकों को जब ये बात पता चली तो उनके प्रशंसक धीरे धीरे उन जगहों पर पहुंच रहे हैं जहां नरेंद्र मोदी का आज कार्यक्रम है। ऐसे ही हैं सूरत से आए हुए सागर सारा। सागर विद्यार्थी हैं और जब इन्हें पता चला कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज कार्यक्रम है तो वो अपनी माता जी के पास आएंगे आशीर्वाद लेने, तो वो भी यहाँ पहुंच गए। क्या मन में आया आप सूरत से सुबह सुबह यहाँ रायसन पहुंच गए गांधीनगर में? मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं सूरत से गांधीनगर नरेंद्र मोदी जी से मिलने नहीं आया, मैं सूरत से गांधीनगर भारत माँ के सच्चे पुत्र से मिलने आया हूँ। फिर चाहे वो मोदी हो या कोई और, पर भारत माँ के सच्चे पुत्र से सिर्फ मुलाकात करने, उनकी एक दर्शन पाने में आज यहाँ आया हूँ। तो क्या कुछ सोचकर आए होंगे जब सिर्फ देखना है उनको, या आप यहाँ पर कुछ प्लानिंग करके आए थे? इस बार नरेंद्र मोदी जी इतने वोटों से जीते हैं और इतिहास रच दिया है, तो मैंने ये सोचा था कि यहाँ उनको कुछ कॉन्ग्रेचुलेशन करने के लिए कोई डांस परफॉर्मेंस रखेंगे, बट सिक्योरिटी की वजह से वो पॉसिबल नहीं हो पाया, थोड़ी परमिशन की प्रॉब्लम हो गई। अच्छा, आप डांस और सिंगिंग करने वाले थे? मैं डांस करता हूँ, सिंगिंग करता हूँ और भी देश हित के काम में मैं बहुत सारी चीज़ें करता रहता हूँ। तो कुछ डेडिकेट करना चाहेंगे कोई सॉन्ग मोदी जी के लिए? मोदी जी के लिए तो बहुत सॉन्ग है, मैं एक सॉन्ग ये ज़रूर गाना चाहूँगा कि ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ए वतन मेरे वतन। एक शायरी नरेंद्र मोदी जी के लिए, जहाँ सारी नदियाँ थम जाए वही समंदर है, जहाँ सारी नदियाँ थम जाए वही समंदर है, और जो सारी मुश्किलियों का हल निकाले वही नरेंद्र मोदी जैसा मंत्र है। धन्यवाद। ये सागर हैं जो कि सूरत से पहुंचे हुए हैं और उम्मीद है इन्हें कि वो सुबह इतनी धूप, अभी से इतनी धूप है तो ये देर शाम तक यहाँ रहकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना चाहेंगे, अपनी शुभकामना देना चाहेंगे। और ऐसे ही बहुत सारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशंसक हैं, चाहने वाले हैं, जो दूर दराज से उन जगहों पर पहुँच रहे हैं जहाँ आज नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है। कैमरामैन उत्तम के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, गांधीनगर। मोदी आज मां से मिलने वाले हैं। अहमदाबाद में मोदी के भाई के परिवार के साथ जहां उनकी मां हीराबेन रहती हैं वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद दूसरी बार प्रधानमंत्री पद संभालने जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात दौरे पर हैं। गुजरात दौरे पर उनके अनेक कार्यक्रम हैं। उनके दौरे का आखिरी चरण है अपनी माता हीराबा से मुलाकात। हीराबा गुजरात के गांधीनगर के इसी रायसन इलाके में रहती हैं। रायसन इलाके में यह वृंदावन सोसाइटी है और इसी रायसन के वृंदावन सोसाइटी के एक घर में हीराबा अपने बेटे, छोटे बेटे पंकज मोदी और उनके परिवार के साथ रहती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात दौरे पर हैं। सबसे पहले जब वो एयरपोर्ट पर आएंगे तो एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत होगा। उसके बाद वो गुजरात इकाई के बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधन करेंगे और उस संबोधन के बाद वो अपनी माता से मिलने इस रायसन इलाके में पहुंचेंगे। गुजरात के गांधीनगर में रायसन इलाके में उनकी माता जी रहती हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी माँ के बहुत करीब हैं और उनके जीवन में जब भी कोई सफलता मिलती है या फिर आशीर्वाद चाहिए होता है तो जरूर अपनी माता के पास आशीर्वाद लेने आते हैं। चुनाव से पहले भी वो अपनी माता का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे, मतदान के बाद वो अपने घर पर अपने माता हीराबा से मिलने पहुंचे थे, उनकी माँ ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। और अब जब लोकसभा चुनाव में भाजपा और एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल की है तो एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रायसेन इलाके में अपनी माँ हीराबा से मिलने और उनका आशीर्वाद लेने पहुंचेंगे। दोपहर बाद में ये एरिया परिसर पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री के आगमन के 2 घंटे पहले ये रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री यहाँ पर शाम को 6 बजे के बाद आने की उनकी उम्मीद है और 6 बजे के बाद आने के बाद यहाँ पर अपनी माता जी के साथ समय व्यतीत करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे और फिर वो रात के समय गुजरात में ही रुकेंगे और फिर कल सुबह वो काशी बनारस के लिए रवाना होंगे। काशी में जाकर काशीवासियों का भी धन्यवाद करेंगे। कैमरामैन उत्तम के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, गांधीनगर। पीएम मोदी आज अहमदाबाद में बीजेपी दफ्तर भी जाएंगे जहां से उनकी लंबी यादें जुड़ी हुई हैं। यहीं पर एबीपी न्यूज संवाददाता जितेंद्र दीक्षित की मुलाकात मोदी के बचपन के दोस्त अंबालाल कोष्टीत से हुई, जिनका दावा है कि एकमात्र वे ही हैं जिन्होंने मोदी को स्टेशन पर चाय बेचते देखा। चुनाव जीतने के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी गुजरात में कदम रख रहे हैं और गुजरात में भी सबसे पहले वो आ रहे हैं अहमदाबाद में, और अहमदाबाद पहुंचने के बाद वो सीधे पहुंचेंगे अहमदाबाद में बीजेपी के इस दफ्तर में जहां पर मैं मौजूद हूं। इस दफ्तर के साथ पीएम मोदी का एक भावनात्मक लगाव रहा है। पीएम मोदी जब पार्टी में संगठन मंत्री हुआ करते थे तो इसी जगह पर वो बैठा करते थे, इसी दफ्तर में आकर वो पार्टी का कामकाज करते थे, यहां पर अपने पार्टी के सहकर्मियों से, बाकी के कार्यकर्ताओं से मिलते थे। और इन्हीं के बीच में हमारी यहां पर मुलाकात हुई है अंबालाल कोष्टकी जी से। ये बचपन के दोस्त हैं नरेंद्र मोदी जी के और इनका ये दावा है कि ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कि नरेंद्र मोदी को रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते हुए देखा। अंबालाल जी, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगा कि एक दोस्त के अलावा बतौर पार्टी में सहकर्मी के तौर पर आपने किस तरह से नरेंद्र मोदी को काम करते हुए देखा और उनसे जुड़ी हुई किस तरह की यादें हैं आपकी? हमें बचपन से, लगभग वो 14 वर्ष के थे, 15 वर्ष के, तब से हम साथ में ही रहे, एकदम साथ में इतने रहे कि जब तक मैं उस समय संघ का स्वयंसेवक भी था और भारतीय जनसंघ का कांकरिया वार्ड का महामंत्री भी था, उस समय उनसे मिलने मुलाकात होने के बाद मैं उनके कैंटीन में लगभग 20 दिन तक मैंने उनसे चाय पीने रोज उनको सुबह मुलाकात करता था संघ में जाने के बाद। तो उन्होंने कहा कि बोले अंबालाल मेरे को भी साथ में काम करने का है, तो मैं ठीक है बोले उस समय उन्होंने बताया कि मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा मैं संघ कार्यालय में पूछ लेता हूँ, अगर वहाँ जगह होगी तो मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। तो दूसरे दिन फिर मैं उनको जगह थी इसलिए मैं उनको ले गया और फिर मैंने उन्होंने बता दिया कि मैंने कि इस कार्यालय में आपको सभी काम करना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम में 15 वर्ष के थे और उनको जगह चाहिए थी, इसलिए कार्यालय में हेडगे और भवन जो है ढोर बाजार के पास वहाँ उनको ले जाके मैंने वहाँ कह दिया कि मैंने कहा ये बच्चा है, ये सब कुछ काम करेगा यहाँ और यहीं से सब कुछ वो कार्य करते रहेगा। उस समय के बाद मैंने उनको वहाँ संघ कार्यालय में छोड़ा, तभी से उन्होंने अपनी कार्यशैली शुरू करी, सभी चीज़ें काम उन्होंने किया है, क्या यानी कपड़े धोने से लगा के झाड़ू पोते से लगा के सभी चीज़ों की कामकाज उनका वहाँ पे किया, उस तरह काम करते करते और आगे बढ़ते हुए आज इस काम में पहुँच चुके हैं कि बोले कल्पना करना भी मुश्किल होता है कि बोले एक सामान्य आदमी इतनी ऊंचाई तक पहुँच सकता है। पार्टी में काम करने के लिए आए थे, यहीं से बैठ के उन्होंने आडवाणी जी की यात्रा का प्रोग्राम बनाया, यहाँ से मुरली मनोहर जोशी की यात्राओं का प्रोग्राम बनाया, पार्टी के अनेक कार्यक्रम उन्होंने यहाँ से दिए और अनेक पार्टियों के लिए यहीं पे काम किया उन्होंने, इसलिए उनकी यादें हैं इसी कार्यालय से, जूने कार्यालय से जुड़ी हुई हैं। वो अहमदाबाद पहुंचेंगे तो कुछ समय इस कार्यालय में भी वे व्यतीत करने वाले हैं और इसके बाद वे यहां से गांधीनगर जाएंगे जहां पर अपनी मां हीराबेन का वो आशीर्वाद लेंगे। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज, अहमदाबाद। तो अहमदाबाद में बेसब्री से हो रहा है पीएम मोदी का इंतजार, उनके कार्यक्रम पर हमारी नजर बनी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।